पापा पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पापा और रेशमा के साथ होना चाहिए। I just feel the same. हम यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? हाँ, I understand. लेकिन कमिश्नर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। I agree, मनी अंकल. बट अगर कुछ गलत हो गया तो कल को हम अपने आप को ही दोष देंगे। और साहिल जो है ना बहुत ही घटिया और खतरनाक इंसान है। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगा प्लान में? नहीं, जो इंसान सबके सामने पुलिस वालों के सामने शाइना को लेके जा सकता है हमारे घर में घुस के, वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स आपने सही किया दादी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप ना बहुत अच्छे हो और आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मम्मी जी, हम जरूर करवाएंगे पूजा। ठीक है पापा, करण बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पापा और रेशमा को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी को मारने से पहले एक सेकंड के लिए नहीं सोचता है वो। हाँ, I understand, लेकिन कुछ नहीं अपा, प्लीज प्लीज मुझे और करण को वहाँ जाने दीजिए, प्लीज। हाँ मनी अंकल, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम रेशमा और पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम दोनों जाओ, प्लीज बी केयरफुल, मैं यहाँ सब संभालता हूँ। लेकिन अगर कमिश्नर का फोन आता है प्लीज संभाल लेना एंड कीप मी पोस्टेड। ठीक है, जाओ। मैंने ये चेक करने के लिए गोली चलाई रमन भल्ला कि तू अपने साथ पुलिस की कितनी बड़ी बारात लेके आया है। चलो अपने हथियार नीचे करो और हाथ ऊपर, वरना मैं गोली चला दूंगा। साहिल, कानून को हाथ में मत लो, एक ना एक दिन हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अब तक कहाँ पकड़ पाए शर्मा जी, मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। साहिल शाह हूँ मैं, चलो पीछे हटो। शर्मा जी, इट्स ओके। पीछे हटो वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा यहीं पर। सर प्लीज, आप लोग ऐसे चाहिए, शायरा की जान खतरे में, प्लीज आप लोग जाओ यहां से। और कोई चालाकी नहीं, और तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। बादशाह हूं इस खेल का मैं, एक खून खराबा चोर पुलिस मेरा रोज का खेल है, मुझसे जीत नहीं पाओगे। और अब कोई नया खेल मत खेलना, कोई चालाकी नहीं, मुझे अपने बेटे को देखना है। ए, हिलना मत। तुम्हारे बेटे को कार तक लेने जा रही हूं, जाऊं। समय बेटा, आप मेरे साथ चलो, अंकल आंटी पे आप ट्रस्ट करो, हम है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। कम गन वाले अंकल, वो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, वो नकली गन है। बेटा, मेरा बच्चा, मैं आपका पापा हूं बेटा, तू मेरा बेटा है। हूबहू मेरे जैसा दिखता है, बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखता था बेटा, बिल्कुल मुझ पर गया है, बिल्कुल मुझ पर। तू मेरा बेटा है, साहिल शाह का बेटा। आप मेरे पापा हो? हाँ। तो इतने सालों से मुझे लेने क्यों नहीं आए, और वहाँ क्यों छोड़ दिया जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते? मन्नू आंटी ने बताया था मुझे कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। नहीं बेटा, आप मेरे पापा हो तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने आपको वहाँ नहीं छोड़ा, वो तुम्हारी मम्मी है ना,
उसने तुम्हें वहां भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं अब आपके साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे और तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ, ठीक है? चलो बेटा चलो। रुको, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। You are under arrest. अरे शर्मा जी आप फिर आ गए, बड़ी जल्दी है आपको मुझे पकड़ने की, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तुम तो अच्छे से जानते हो रोहन के कैसे चिथड़े उड़ाए थे मैंने। इशिता कमिश्नर को फोन करके बोल कि मुझे एयरपोर्ट से निकलने दे, वरना तो जानती है मैं क्या कर सकता हूं। रुको, फोन कर। हेलो सर, साहिल समर को यहाँ से लेके भागना चाहता है और वो आपकी मदद चाहता है इसमें। बेटा मम्मी को बाय बोलो। नहीं साहिल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे कुछ मत करो। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन समर को कहीं मत लेके जाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ते, प्लीज इसको कहीं भी मत लेके जाओ। शाना रुक जाओ, साहिल के सामने तुम क्यों गिड़गिड़ा रही हो? रुको साहिल शाह, हम समझ गए तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह से, इसलिए इस बार हम तैयारी के साथ आए हैं। जहाँ जाना है चले जाना, पहले एक बार अपने बेटे का जैकेट तो उतार। तुमने मेरे बेटे को बॉम्ब लगाया, बच्चे को बॉम्ब लगा दिया, शर्म नहीं आई तुमको? अरे बच्चा इसका क्या कसूर था? ये तूने ठीक नहीं किया रमन भल्ला। रोहन की क्या गलती थी जब तूने उसके चिथड़े उड़ाए थे? वो भी किसी का बेटा था, किसी का बच्चा था वो। जब खुद के बच्चे पे आती तो समझ में आता है ना कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है साहिल। हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद की तूने, उन पे ड्रग्स की लत लगा के, उनके माँ बाप को मार के उनकी जिंदगी बर्बाद की है। बेटा एक ना एक दिन तो कर्मों का फल मिलता ही है। साहिल, शायना का बॉम्ब हटाओ तो तुम्हारे बेटे का बॉम्ब हटेगा, वरना उसके भी वैसे ही चिथड़े उड़ेंगे जैसे तुमने हजारों के चिथड़े उड़ाए हैं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।